अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे भाई मलिक महबूब साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। तो काफ़ी दिनों से हमारा इसी वजह से व्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कुछ दिनों से ना हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मिनी जू पर आए, मैं मेरा आज दिल व्लॉग करने का भी नहीं कर रहा। तो दोस्तों, सारी मालिक की रजा है, अब किसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, बहुत हुआ, बड़े ही अच्छे इंसान थे। यकीन करें, जब से हमने ये पेट हाउस शुरू किया, हमारे साथ थे, हमारे टीम मेम्बर थे, हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे बहुत गहरे दोस्त भी थे। लेकिन अल्लाह की रजा के आगे हम क्या कर सकते हैं, बस वो बीमार थे, बीमारी किताब ना ला सके, जिसकी वजह से उनकी वफात हो गई है। तो मेहर भाई, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, उनके वालदैन को सब्र जमील अता फरमाए, हमें भी सब्र जमील अता फरमाए। यार अहमद, क्या कर सकते हैं आप, जो मालिक की रजा थी वो तो हो गई। अब देखिए ना, तीन चार दिन से हम ऊपर आ नहीं सके, हमने अपने फैट्स का ख्याल भी नहीं किया। जब से हमने ये काम शुरू किया ना यहाँ पे, तो अहमद भी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हम दोनों ज्यादा ख्याल पेट्स का वो रखते थे। बिल्कुल, कोई चीज ऊपर नीचे होती थी, लेकिन नहीं, वो कहते थे नहीं, इनका ख्याल लाजमी रखना है। बिल्कुल, इनका ख्याल बहुत रखते थे। यकीन करें, ये कबूतर इनके साथ हम लेकर आए हैं, ये पैरट्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी है, ये चीज़ें बनवाई हैं, उनके साथ ही की हैं सारा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी यादें उनकी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा किस तरह के अच्छे इंसान थे, हर दफ़ा वो हंसते ही रहते थे, जो भी काम होता था मिल के करना, इकट्ठे करना, हंसना। लेकिन दोस्तों, जितने दिन उनकी ज़िंदगी के थे पूरे हो गए, बस दुआ यही है कि अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, उनके वालदैन को सब्र दे। तो दोस्तों, उनकी कुछ मेमोरीज हमारे साथ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो देखें कि हमारे पेट हाउस में हमारे साथ कितना काम उन्होंने करवाया। हमारे दोस्त प्यारे भाई मलिक महबूब कन्नर साहब, ये हमारे साथ यहाँ होंगे, ये हमारे बहुत अजीज हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब? हम ये कहना चाहेंगे कि हमने आपको अपना न्यू चैनल बनाया है चोलिस्तान पेट हाउस के नाम से, ठीक है ना। भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक भाई ये सेंटर में देख रहे हैं, एक भैया कर रहे हैं, और मलिक साहब खुद ऊपर गए हुए हैं सामान को पकड़ने के लिए। देख रहे हैं आपको मलिक साहब नजर आ रहे हैं ऊपर, ये महबूब भाई ठहरे हैं। महबूब भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हाथ देखें भाई के, हाथ किस तरह हो गए हैं। हमारे साथ होंगे अहमद भाई, ये भी हमारे भाई हैं, टीम का हिस्सा हैं, ये भी हर टाइम हमारे साथ होते हैं, जब हम इनके वगैरह जो चीजें भी परचेज करते हैं उसमें भी हमारे साथ होते हैं। चलें, ये भी खाना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये देखें, ये खाना भी शुरू, अब भी अहमद ने प्यार नहीं की, उन्होंने पहले ही खाना शुरू कर दिया। तो हमारे अपने चूचू मुचू को भी निकाल दिया, उगी गेंद को भी निकाल दिया, अब हमारी कबूतरों को बारी, उनको बाहर निकालते हैं। अहमद भी निकाल रहे हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। ये देखे अहमद भाई बाहर निकाल रहे हैं उनका, जो हमने पर्दा वगैरह लगाया था, रात को सर्दी होती है तो वो खोले हैं। जी दोस्तों, देख रहे होंगे आप कि महबूब भाई सारी हमारी सरप्राइजेस थे वो निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे बज्जी तोते आगे सारे के सारे। आया कब? रात। ये जी, ये कॉकटेल फाइनली पकड़ लिया, जरा ले वो। ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इसलिए तो मैं रहा था आपको। हाँ, महबूब डिजाइनर, समझ नहीं आ रहा आपको डिजाइन किस तरह बना रहा है। जी दोस्तों, कबूतरों के घर फाइनली तैयार हो गए। ये नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने नीचे वाला है, ये पोर्शन व्यूअर कहेंगे पता नहीं इतने दिनों से इनका काम ही कम्प्लीट नहीं हो रहा। बाकी ये देखिए, इनको अब दाना पानी भी देते हैं। जी दोस्तों, अब बज्जिस को हम सुबह का दाना और इनका पानी वगैरह डालने लगे हैं। महबूब भाई, इन्होंने कटोरियां फिर उल्टा दी, देख रहे हैं आप कल आप लगा के। ये तो मैंने लगाई थी, मुझे समझ नहीं आ रही नीचे कैसे गिर गई। ये खुद मेरे ख्याल में उड़ के ना, ये कॉकटेल के हमारे जो टैंगो बैठे हैं इनके काम है। हाँ महबूब भाई, हाल ले यार, मुश्किल है। आया काबू रात। ये जी, ये कॉकटेल फाइनली पकड़ लिया, जरा ले वो। ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इसलिए तो मैं बांधा हुआ था आपको। मैं तो कह रहा हूँ इसको अंदर ना रख के, ना अंदर रखें या बाहर से कैसे करें। मैं तो कह रहा हूँ अंदर रख के फिर छोड़ दे, क्योंकि ये पहले भी आपको काट रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये उड़ ना जाए किस तरीके से। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ बना देते हैं, ठीक है। रेवेंट टाइम को हमारे पास बचा हुआ है, इनका घर ही बना देते हैं। आइडिया प्लान जहन में है जिस तरह बनाए इनका घर? अभी है तो नहीं, अंदर जाके बैठेंगे, जाहिर सी बात है कभी बनाया तो है नहीं, चेक करते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, कोशिश करते हैं, अगर ना बना तो फिर किसी को बुलाएंगे, केमिस्ट्री वगैरह को बुलाएंगे, पहले खुद ट्राई करते हैं।
आराम से सर का ख्याल कीजिएगा, थोड़ा मैं दरवाजा पकड़ लेता हूँ, चलें अब जाएं आराम से आप अंदर। फंस गए फंस गए हैं आप। बड़ी मुश्किल से मैं अंदर घुसा गया, घुस के वो बनाया और उसे अब सेट करेंगे, मेंटेन करेंगे। बाकी अब हमारे पास जो लक्के कबूतर बैठे हुए थे, अब हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे पास वो छोटा मास्टर गेट ठहरा हुआ है ना बजीज वाला, हम सोच रहे हैं उसके अंदर लक्कों का एक छोटा सा घर बना दे। तीन है, पता नहीं चार पाँच थे ऐसे थे, एक दिन के अंदर ही आ गए हूँ यार भाई। ये देखे यार हम कहते हैं जब तक हमारा पूरा सेटअप मुकम्मल नहीं होता उस टाइम तक अब हम चीजें वगैरह परचेज बाद में करें। सबसे पहले आप सूचू मुचू को रहने नहीं दिया, मेरे ख्याल में आपको पसंद आया होगा। ऊपर ठहरे हुए ना निकलने में अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मुझे तो लगता है ये ना हमें आगे पीछे करने पड़ेंगे, पहले तो हम रखते हैं इनको, लग रहा है कि कहीं से कहीं लोग इसका बोलते होंगे शायद हमें कुछ कहें ना, लेकिन फिर भी आवाज़ इतनी है, पता नहीं जिनके पास लोगों के पास कह रहे हैं, भाइयों के पास कह रहे हैं, उनके पास इतना शोर करते हैं, ये हमारे पास इतना शोर कर रही है। खाली अभी आपने डाइट रखी है, वो पहले पहुंच गई, वो देखें उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है। खाओ 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 खाओ। लक्कों का दोस्तों, हमने लक्कों को नई जगह दी है, ऊपर शिफ्ट किया था इनको ना महबूब भाई ने, रात ऊपर ही बंद कर दिया था, अभी ऊपर से निकलेंगे फ्लाई करते हुए। अब आपने खोल दिया दाना वगैरह, इन्हें डाल दें और बतखों का हाल देखें, वो देखें होगी गैंग का। मौसम कैसा है महबूब भाई सुबह आज? सर्दी महसूस हुई है? सारा दिन ही छत पे ठहरा रहे, अपने मिनी जू को टाइम देता रहे, वरना तो गर्मी की वजह से बंदा कहता है बस इनको देखभाल करके नीचे ही चला जाए, लेकिन आज हम ऊपर ही ठहरेंगे सारा दिन। बहुत नहीं नहीं आ जाओ भाई, आ जाओ इधर बैठ जा। ये आप डर क्यों रहे हैं? फिर मैं ये कह रहा हूँ ये दिखाएं। ओ ओ ओ ओ हो गया ये चीज, ये दूसरा दिखाएं। काटे कहाँ काटे? दिखाएं उंगली, दिखाएं हल्की सी निशान है बस। इतने कह रहे कुछ नहीं होता, पकड़ना तो है ना इनको। बस क्या कर सकते हैं, अब जो मालिक की रजा थी वो तो हो गई। अब देखिए ना, तीन चार दिन से हम ऊपर आ नहीं सके, हमने अपने पेट्स का ख्याल भी नहीं किया। यकीन करें महबूब भाई को इतनी लगाव था ना इन पेट्स के साथ, जब से हमने ये काम शुरू किया ना यहाँ पे, तो अहमद भी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हम दोनों से ज्यादा ख्याल पेट्स का वो रखते थे। बिल्कुल, कोई चीज ऊपर नीचे होती थी लेकिन नहीं, वो कहते थे नहीं इनका ख्याल लाजमी रखना है। बिल्कुल, इनका ख्याल बहुत रखते थे। यकीन करिए कबूतर इनके साथ हम लेकर आए हैं, ये पैरेट्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी है, ये चीज़ें बनवाई हैं उनके साथ ही की हैं सारा। तो दोस्तों तमाम सारे पैट्स को डाइट वगैरह भी डाल दी, आज बाहर नहीं निकाला, यकीन करें आज कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्तों इनको डाइट वगैरह दे दी है, सारा काम ऊपर कर लिया है। तो दोस्तों अब तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है महबूब भाई के लिए, सारे दुआएं मफरत करें, अल्लाह उनका आगे का सफ़र आसान करे। और आज की वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।